वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं वेस्ट बंगाल पीएससी का क्लर्कशिप वाली पोस्ट का जो पेपर हुआ था उसका मैं सॉल्यूशन करवाने जा रहा हूं, तो आप लोग ध्यान से इसका पेपर का सॉल्यूशन देखिए। ठीक है, चलिए दोस्तों हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ में। ये पेपर सेकंड नंबर का है, ठीक है, सेकंड पेपर है दोस्तों, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। और इसका मैं सॉल्यूशन करवाऊँगा पूरे क्वेश्चन, डेफिनेटली एक एक क्वेश्चन मैंने सोल्व किए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसको ध्यान में से देख लेना, ठीक है। चलिए देखिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड इंडिया होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स, तो कौन से ईयर में था, 2010 में, ठीक है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 2010। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ फॉर बर्निंग ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रेन फॉरेस्ट, तो ब्राज़ील था, तो कौन से थे, अमेजोन वन, ठीक है, अमेजोन में लगी थी आग, आपको बताओ तो। द कैपिटल ऑफ द ऑस्ट्रेलिया इज कैनबरा, ठीक है, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों, आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट दैट रॉन्गली डिपिक्ट्स मामल्लपुरम, ठीक है। तो इसमें क्या आंसर आएगा अपना दोस्तों, होम टू द डेवलपमेंट ऑफ कथकली डांस फॉर्म, ठीक है। तो ये इसका रॉन्गली कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा इसमें, तो मतलब कि ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसके अलावा सभी सही है इसमें। देखिए, यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट है, और ये पल्लव किंगडम की राजधानी है, ठीक है, और एक टूरिस्ट स्पॉट है, ठीक है, ये भी सही है। बस ओनली सी ऑप्शन का राइट गलत हो जाएगा, तो सी इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए, विच इंडियन क्रिकेटर हैज स्कोर द हाईएस्ट नंबर ऑफ डबल सेंचुरीज इन टेस्ट, तो कौन थे वो, वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, द 2020 समर ओलंपिक गेम्स विल बी हेल्ड इन, तो किस में, टोक्यो में, ठीक है, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वॉज नॉट ए पुर्तगीज कॉलोनी इन इंडिया, तो कौन सी नहीं है इसके अंदर से, इसके अंदर पौंडीचेरी नहीं है दोस्तों, ना, ठीक है, ये फ्रेंच कॉलोनाइज्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है, द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज, कौन थे, आप सभी लोग जानते हैं, सी राजा गोपाल आचारी, ठीक है, सी बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, द गवर्नर ऑफ इंडियन स्टेट इज अपॉइंटेड बाय, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ठीक है, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट है, केशव महाराज इज ए क्रिकेटर हु प्लेज फॉर, किसके लिए, साउथ अफ्रीका के लिए, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज करंटली द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, कौन है दोस्तों, यहाँ पे एस जयशंकर, ठीक है, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द हेड ऑफ इंडिया डिप्लोमेटिक मिशन इज डेजिनेटेड हाई कमिश्नर, किसमें, यूके में, केंद्र, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपर अमरकंटक इज इन, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इन इंडिया इज नॉट ए टी ग्रोविंग स्टेट, तो इसमें मध्य प्रदेश अपना कौन सा नहीं है स्टेट, इसमें चाय उत्पादन में मध्य प्रदेश, ठीक है, उसके अलावा असम, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल, सभी में चाय उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 15 नंबर का, इन द 2019 पार्लियामेंट्री इलेक्शंस राहुल गांधी वाज इलेक्टेड फ्रॉम, कहाँ से, वायनाड से इलेक्टेड हुए थे, ठीक है, वायनाड से, सॉरी। नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए हॉकी प्लेयर, हॉकी प्लेयर इनमें से कौन सा नहीं है, तो इसमें से मिल्खा सिंह नहीं है, क्योंकि वो दौड़ करते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट ए मेंबर ऑफ बिम्स्टेक, कौन सा बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है इसके अंदर से, इसके अंदर से बिम्स्टेक का मेंबर नहीं है, सॉरी, बिम्स्टेक का मेंबर इसमें से पाकिस्तान नहीं है, ठीक है, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स क्रिटिसाइज्ड इंडिया फॉर एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो कौन था वो देश, तुर्की था, ठीक है, तो तुर्की ने इसका समर्थन ज़्यादा तगड़ा किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, द बुक आसानी संकेत वॉज रिटन बाय, किसके द्वारा, विभूति भूषण बंदोपाध्याय, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कमरपुकुर द बर्थ पैलेस ऑफ श्री श्री रामकृष्णा इज इन, कहाँ पे, हुगली में, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंडियाज लुक ईस्ट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड बाय, किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, नरसिम्हा राव के द्वारा, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कॉज ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या ग्लोबल वार्मिंग नहीं करता, सोलर एनर्जी, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच इज करंटली द गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, कौन थे, गिरीश चंद्र सक्सेना, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
द इसरो हैज़ इट्स हेडक्वार्टर इन, कहाँ पे, बेंगलुरु में है, ठीक है, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच अमॉन्ग द फॉलोइंग रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द हिमालयाज, कौन सी है इसमें से, देखिए दोस्तों इसमें से ब्रह्मपुत्र हो जाएगा, द ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द 2019 नोबेल प्राइज फॉर पीस वॉज अवार्डेड टू, किसको दिया गया था, ये अभी अहमद को दिया गया था, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर गेव अप हिज नाइटहुड इन, कब दी दे दी थी उन्होंने, इसका मैं अभी आपको आंसर बताता हूँ इसका, तो ये दी थी उन्होंने 1919 में, ठीक है, चलिए डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग नोबल लॉरेट्स डिड नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट कनेक्शन विद कोलकाता, तो इसमें क्या आंसर आएगा दोस्तों, 28 में आंसर आएगा अपना सी वी रमन, ठीक है, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट ए रेसिपिएंट ऑफ नोबल प्राइज इन लिटरेचर, तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें 29 में आंसर आएगा गैब्रियला मिस्ट्रेल, ठीक है, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच हु अमॉन्ग द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द इंडियाज एटॉमिक एनर्जी कमीशन, तो कौन थे वो थे होमी बाबा, ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, होमी बाबा फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग बार द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो इसमें कौन सा आएगा, ए ओ ह्यूम, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, एलन ऑक्टोबर ह्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है उसेन बोल्ट इज ए, क्या है दोस्तों, लॉन्ग डिस्टेंस रनर, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वामी विवेकानंद डिलीवर्ड हिज शिकागो एड्रेसेज इन कब, 1893 में, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेन डिड अलेक्जेंडर इनवेड इंडिया, तो कब, 326 BC में, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट फ्रॉम विच पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी डिड प्राइम मिनिस्टर कम इन 2019 इलेक्शंस, कहाँ से आए थे, वाराणसी से, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, तो वाराणसी से जीते थे, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोर्ट्स इज नॉट इन पाकिस्तान, पाकिस्तान कौन सा नहीं है, बंदर अब्बास, क्योंकि ये कहाँ पे है दोस्तों, ये है ईरान में है, ठीक है। नेक्स्ट है तुर्की रिसेंटली लॉन्च्ड एन अटैक ऑन द कुर्ड्स रेजिडिंग इन, कहाँ पे, सीरिया में, ठीक है, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, सीरिया में। वेयर डिड द INA अनफर्ल द इंडियन फ्लैग आफ्टर डिफीटिंग द ब्रिटिश ऑन 14 अप्रैल 1944, तो इसमें आएगा दोस्तों मोईरंग, ठीक है, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गिव बिलो आर द नेम्स ऑफ सम स्पोर्ट्स पर्सन एंड द गेम्स इन द विच इन विच दे एक्सेल्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, यहाँ पे देखिए दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो फुटबॉल से रिलेटेड है, तो सिमोना हालेप टेनिस से, तो ये बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही मैच हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे फुटबॉल आता है, यहाँ पे टाइगर वुड्स गोल्फ से रिलेटेड, जॉय रूट्स क्रिकेट से रिलेटेड, ठीक है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंडिपेंडेंट स्टेट, तो इसमें से कौन सा नहीं है दोस्तों, इसमें अपना आंसर आएगा 14 में, अपना आंसर आएगा अलास्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 400 फॉर 5 ईयर्स एट 6% पर एनम इज 120 RS आ जाएगा दोस्तों, इसमें 120 रुपीज इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन सिंप्लीफिकेशन, इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों इसमें अपना आंसर आएगा 42 में, अपना आंसर आएगा 2984, ठीक है, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 2984, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, ए सर्टेन प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ RS 400 इन 3 ईयर्स एंड RS 540 इन 5 ईयर्स, फाइंड द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, ठीक है, तो इसमें अपना आंसर आएगा दोस्तों, इसमें 43 में अपना आंसर आ जाएगा 50/11, ठीक है, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 50/11%, ठीक है, 50/11% हो जाएगा। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ इसमें अपना आंसर आएगा दोस्तों, इसको अपन सोल्व करेंगे, कौन सा है, 44 में अपना आंसर आएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों, प्राइस ऑफ कॉल इज इंक्रीज बाय 20%, तो इसमें अपना आंसर जब इसको सोल्व करेंगे तो 45 में अपना आंसर आएगा दोस्तों, 16/2/3%, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 47 में अपना आंसर आएगा दोस्तों 2, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, ये जो कितना रिमाइंडर आएगा 2 आएगा, ठीक है, 19 को जब 17 से डिवाइड करेंगे 2 रिमाइंडर आएगा। नेक्स्ट है, ए अलोन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 21 डेज, बी हु इज 40% मोर एफिशिएंट देन ए विल फिनिश द वर्क इन, तो यहाँ पे देखिए बी कितने दिनों में फिनिश करेगा, तो 15 दिन में, बी सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 300 ग्राम ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैज 40% शुगर इन इट, हाउ मच शुगर शुड बी एडेड टू मेक इट 50% इन द सॉल्यूशन, तो इसमें अपना 60 ग्राम अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों, ठीक है।
नेक्स्ट है फाइंड स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 20, 42, 62 लीव द रिमाइंडर वन इन ईच केस। ठीक है, तो इसमें देखिए 49 में अपना आंसर आएगा 1261, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 1261। नेक्स्ट है व्हाट परसेंटेज इज 1 मिनट 48 सेकेंड्स इज एन हावर, तो 50 में अपना आंसर आएगा 3%, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51, टू नंबर्स आर इन द सेम रेशियो 3:5 रेशियो एंड देर एचएफ 12 है, देर प्रोडक्ट इज 51 में अपना आंसर आएगा 21:60। ठीक है, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 21:60 इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है 52, टू थर्ड ऑफ ए नंबर इज 36, फाइंड आउट 25% ऑफ दैट नंबर, तो 52 में अपना आंसर आएगा 13.5, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 13.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों 53 में बोट रनिंग डाउन स्ट्रीम कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर इन 4 आवर्स वाइल फॉर कवरिंग द डिस्टेंस अप स्ट्रीम टेक्स 6 आवर्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द बोटिंग इन स्टील वाटर। ठीक है, यहाँ पे 5 किलोमीटर पर आवर इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है ए फ्रूट सेलर बोट 15 एप्पल्स फॉर 12 एंड सोल्ड 12 एप्पल्स फॉर 15, हाउ मच प्रॉफिट और लॉस डिड ही मेक्स। तो इसमें देखिए दोस्तों 54 में अपना आंसर आएगा 56.25% प्रॉफिट। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 55, देखिए इन 100 मीटर रेस ए रन्स 8 किलोमीटर पर आवर इफ द ए गिव्स बी स्टार्ट ऑफ 4 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 15 सेकंड्स, फाइंड द स्पीड ऑफ बी इन मीटर्स बाय सेकंड। तो इसमें अपना सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 3/2/15 मीटर पर सेकंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों इसमें 11 से डिवाइड तभी होगा तभी यहाँ पे देखिए इनका अंतर या तो 0 हो या फिर 11 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो इसमें 8 आएगा यहाँ पे, स्टार की जगह क्या जाएगा 8। ठीक है, ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको जब सॉल्व करेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए 0.4 यहाँ से आ जाएगा और देखिए दोस्तों यहाँ से 0.3 आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे अपन कितना आएगा 0.6 आएगा, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 58 में अपना आंसर आएगा, जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों इसमें आएगा अपना 12 मिनट। ठीक है, 58 में अपना आंसर आ जाएगा दोस्तों 12 मिनट। ठीक है, ये ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 59 को अपन सॉल्व करेंगे दोस्तों इसमें 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 50 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे दोस्तों 60 में अपना 11 आंसर आएगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 को जब इसको सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 676 इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 676। ठीक है, नेक्स्ट है 62 को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों तो 26/2/3 इसका किलोमीटर KMPH इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 63 की बात करते हैं दोस्तों, 63 में अपना आंसर आएगा दोस्तों 23/1/3% आएगा। ठीक है, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 23/1/3%। नेक्स्ट है दोस्तों 64 में देखिए द एवरेज ऑफ 7 कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 20, द लार्जेस्ट ऑफ द दीज नंबर्स इज, अभी देखिए दोस्तों इसको सोल्व करेंगे तो अपना आंसर आएगा, एक मिनट रुकिए मैं आपको बताता हूँ। 64 में अपना आंसर है दोस्तों, सॉरी 64 में अपना आंसर है दोस्तों 23 इसका राइट आंसर हो जाएगा 64 में। और 65 में अपना आंसर है देखिए दोस्तों, 65 को जब हम सॉल्व करेंगे 65 में 100% इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 66 में दोस्तों जब इसको हम सॉल्व करेंगे द रेशियो ऑफ द एजेज ऑफ 3% 7:4:4। ठीक है, तो इसमें देखिए अपन इसको सॉल्व करेंगे तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 25 ईयर्स। नेक्स्ट है 67 को जब सॉल्व करेंगे दोस्तों अपना आंसर आएगा 8:6:10:9। ठीक है, तो 8:6:10:9 सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 68 को जब हम सॉल्व करेंगे दोस्तों ए अलोन कैन डू 1/2 ऑफ वर्क इन 5 डेज एंड बी अलोन कैन डू 1/3 ऑफ द सेम वर्क इन 4 डेज, हाउ मेनी डेज वर्किंग टुगेदर विल दे फिनिश द वर्क इन। ठीक है, तो 68 में अपना आंसर आएगा दोस्तों 5/5/11 डेज। ठीक है, 5/5/11 दिन में। ठीक है, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। 69 में देखिए दोस्तों 69 में 13.5 सेकंड आएगा, बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 70 में देखिए दोस्तों तो स्टार की मार्क की प्लेस कौन सा आएगा दोस्तों स्टार की जगह, तो यहाँ पे स्टार की जगह आएगा 70 को जब इसको सोल्व करेंगे तो 15/1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 15/1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 71 में अपना आएगा दोस्तों द डियर इज अफ्रेड, तो अफ्रेड के बाद में देखिए 71 में अपना आंसर आएगा अफ्रेड ऑफ आएगा दोस्तों, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा अफ्रेड ऑफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 में अपना आंसर आएगा दोस्तों हेड सी टाइम, सॉरी 72 में आएगा, सॉरी 72 में वन में अकम्प्लिश मैनी थिंग्स बाय ए लिटिल एफर्ट। ठीक है, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 में देखिए दोस्तों अपना आंसर आएगा 73 में वर आएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा दोस्तों, इसमें इसके साथ में वर आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिल इन द ब्लैंक का दोस्तों इसके में देखिए यहाँ पे वर इसके साथ में आंसर हो जाएगा, तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा वर। नाइदर ऑफ द टू ब्रदर्स रमेश एंड सुरेश वर फाउंड सुटेबल, ठीक है। नेक्स्ट 74 को जब इसको देखेंगे दोस्तों इसमें क्या करना था अपन को, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना था, तो 74 में इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे सी हैड टाइम टू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस। तो इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा दोस्तों, सॉरी 74 में अपना आंसर आएगा हैड सी टाइम टू फिनिश ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है देखिए दोस्तों 75 को, जब 75 को बाय द टाइम वी रीच्ड होम द रेन हैज स्टॉप्ड, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हैज स्टॉप्ड। नेक्स्ट है 76 में देखिए दोस्तों ए लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स फॉर द एडमिशन टेस्ट, इसमें अपना आ जाएगा एलिजिबल, ठीक है। सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा एलिजिबल। नेक्स्ट है 77 में सी कुड नॉट मेक अप हर अबाउट व्हाट टू बाय, तो इसमें डिसीजन आ जाएगा दोस्तों, तो सी कुड नॉट मेक अप हर डिसीजन अबाउट, ठीक है। नेक्स्ट 78 में अपना देख अमित स्टोरी अबाउट गोस्ट एंड विच इज नॉट बिलीवेबल, ठीक है। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 79 में देखिए अर्ली टू बी टू बेड एंड अर्ली टू राइज, इसके साथ में देखिए दोस्तों अपना मैक्स आएगा, डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा मैक्स। नेक्स्ट है 80 में देखिए दोस्तों द सोसाइटी विल हेल्प द पुअर चिल्ड्रन विद मनी, ठीक है। तो अब इसका देखिए दोस्तों इसका बनाएंगे तब क्या होगा, इसमें द पुअर चिल्ड्रन विल बी हेल्प्ड, देखिए दोस्तों यहाँ पे द पुअर चिल्ड्रन विल बी हेल्प्ड बाय द सोसाइटी विद मनी, तो ए ऑप्शन का राइट आंसर होगा द पुअर चिल्ड्रन विल बी हेल्प्ड बाय द सोसाइटी विद मनी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है 81 में देखिए दोस्तों 81 में आएगा नेल, ठीक है। सी ऑप्शन का राइट आंसर होता है द वुमन इन द कंट्री फॉर टूथ एंड नेल फॉर लिबरेशन, ठीक है। नेक्स्ट है 82 में देखिए दोस्तों 82 में आएगा द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रन वाज नॉट अप टू द मार्क, ठीक है। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों 83 यहाँ पे देखिए दोस्तों 83 में देखिए कीप इन द माइंड, इसका क्या सिनोनिम, इसका वर्ड क्या होगा दोस्तों एक वर्ड में इसमें थिंक अबाउट, ठीक है। तो 83 में अपना सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा थिंक अबाउट। और देखिए 84 है तो इसमें कोशिश का क्या होगा दोस्तों, सेम मीनिंग में वाला कोशिश का केयरफुल हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा 84 में केयरफुल हो जाएगा। 85 में बात करते हैं दोस्तों सैटेलाइट की स्पेलिंग क्या होती है, आप सभी लोग जानते होंगे सैटेलाइट की, तो SATELLITE होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज, इसमें भी देखिए दोस्तों MBCS की क्या होती है, AMBITIOUS होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा MBCS। नेक्स्ट है फाइंड द बिलो द वर्ड दैट मीन्स स्टीम, स्टीम का मतलब आप सभी जो लोग जानते होंगे रेस्पेक्ट होती है, ठीक है। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा रेस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 88 में देखिए दोस्तों 88 में अपना आंसर आएगा, देखिए यहाँ पे 88 में अपना आंसर आएगा रतन एंटर्ड द रूम एंड लुक्ड एट द पेंटिंग, ठीक है। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा एट, सही है बिल्कुल। नेक्स्ट है वी बाय मीट फ्रॉम ए बचर, बचर आएगा दोस्तों, बचर बोलते हैं उसको, ठीक है। मीट जहाँ से अपन मीट खरीदते हैं उसको बचर बोलते हैं, तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 90 में देखिए दोस्तों यहाँ पे एक्टिविटीज़ के साथ में क्या आएगा, इसमें इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। तो इलीगल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, द गवर्नमेंट पनिश्ड हिम बिकॉज हिज इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। 91 में देखिए दोस्तों यहाँ पे ही मूड बी हेवन एंड हेल आ जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हेवन एंड हेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो 91 के बाद में 92 देखिए दोस्तों यहाँ पे 92 में अपना आंसर आएगा, देखिए हैव यू हियर्ड दैट मिस्टर बासु, फिर बाद में आएगा दोस्तों वाज बीन अपॉइंटेड, ठीक है। सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी इसमें वाज बीन, हैव यू हियर्ड दैट मिस्टर बासु हैज बीन अपॉइंटेड, सॉरी डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा हैज बीन अपॉइंटेड, ठीक है। नेक्स्ट है द एम्परर अकबर रूल्ड, तो इसमें आएगा दोस्तों ओवर आ जाएगा दोस्तों, रूल्ड के साथ में ओवर आएगा, ठीक है। रूल्ड ओवर ए वास्ट किंगडम, ठीक है। बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रतन मदर्स इज सी कांट इवन साइन हर नेम, ठीक है। इसमें इलिटरेट आ जाएगा दोस्तों ना, मतलब ऐसा अक्षर होती है, ठीक है। तो इलिटरेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। 95 में देखिए दोस्तों एन एक्शन विच इज मोस्ट डिफिकल्ट एंड ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू एक्सप्लेन इच, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इनडेस्क्राइबेबल हो जाएगा इसका, सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा इनडेस्क्राइबेबल। नेक्स्ट 96 में देखिए दोस्तों द मैन सीम्स बिकॉज
ही फ्रिक्वेंटली लाफ्स लाउडली फॉर नो रीजन, तो यहाँ पे आएगा चीयरफुल, ठीक है बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 97, 97 में देखिए ट्यूटर टॉट रोनी मैथमेटिक्स फॉर 2 ईयर्स, इसमें देखिए दो एक्टिव टू पैसिव वॉइस बनाना, तो इसमें ये बनेगा दोस्तों रोनी वाज टॉट मैथमेटिक्स बाई, रोनी वाज टॉट मैथमेटिक्स, रोनी वाज टॉट मैथमेटिक्स बाई द ट्यूटर फॉर 2 ईयर्स, ठीक है सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 97 के बाद में 98, यहाँ पे देखिए दोस्तों 98 में देखिए तो फाइंड द बिलो द वर्ड दैट मीन्स ए बॉय हु फ्राइटन्स वीकर बॉय, ठीक है तो यहाँ पे बुली बोलते हैं उसको, ठीक है बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द कैट स्नेक्ड इन एंड सेट बिसाइड, बिसाइड आ जाएगा दोस्तों बगल में बैठ जाएगी, ठीक है बगल बिसाइड द लिटिल गर्ल, ठीक है। नेक्स्ट है डेंजरस, डेंजरस का क्या होगा दोस्तों, इसमें देखिए इसका क्या बनाना था, हमको डेंजरस का अपोजिट वर्ड बनाना था, ठीक है तो डेंजरस का खतरनाक होता है, तो शेप का मतलब कि सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा शेप, ठीक है। हाँ दोस्तों तो ये पूरे 100 क्वेश्चन हो गए, आई होप दोस्तों आज आपको ये वीडियो भी पसंद आया होगा, अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।